हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमा श्री और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बता रही हूं तुला राशि के लिए मार्गी शनि क्या परिणाम देंगे और कैसा भविष्य रहेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, शनिदेव का पदार्पण हो चुका है और मार्गी स्वरूप में हो चुका है। पहले वक्री थे, अब मार्गी हो चुके हैं। राशि धनु है और फिर मकर में प्रवेश करेंगे कुछ महीनों के बाद में। तो तुला राशि के लिए ये मार्गी कैसे रहेंगे शनि और क्या उपाय करना है, बेसिकली ये मैं आज बताने जा रही हूँ। तुला राशि के लिए शनि देव शुभ होते हैं, योग कारक होते हैं। एक चीज़ का आप ध्यान रखना, यदि जो स्थिति गोचर में बन रही है वही स्थिति अगर जन्म कालिक भी आपकी कुंडली में है तो रिजल्ट का रेशियो 100% से थोड़ा सा कम तो होगा, लेकिन 100% के करीब भी हो सकता है। लेकिन यदि ग्रह स्थिति विपरीत है, अलग है कुंडली में, तो इस परिणाम का रेशियो थोड़ा बहुत आप काफ़ी कम करके चलना। लेकिन उपाय में कोई कमी करने की ज़रूरत नहीं है। उपाय कैसी भी स्थिति हो, तुला राशि वाले ये उपाय कर सकते हैं। आपको उपाय के तौर पे शनि की कारक चीज़ों का दान बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि गरुड़े जो होते हैं ना, जिनको कि तेल हम देते हैं, तेल नहीं देना है बिल्कुल भी। शनिदेव के मंदिर में तेल इत्यादि, काली चमड़े की चीज़ें वगैरह आपको बिल्कुल दान नहीं करनी है। आपको सिर्फ मंदिर में जाकर दीपक प्रज्वलित करना है और मंदिर में ही बैठ कर शनि चालीसा का पाठ करना है। भगवान शनिदेव से विनती करनी है कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, और वो आप पर बराबर अपनी कृपा बनाए रखें। आप उनको उस स्वरूप का भी भान करवाइए कि आप मेरी कुंडली में, मतलब आपकी कुंडली में शनि योग कारक हैं और शनि अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करें। विशेष परिस्थिति में आपको अपनी कुंडली की जांच जरूर करवा लेनी चाहिए। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। मेहनत आप कर ही रहे हैं काफ़ी समय से, इसमें थोड़ी सी वृद्धि करें। घर के मकान का सुख मिलेगा और घर का मकान अगर है ऑलरेडी तो और भी प्रॉपर्टी के योग बनेंगे। कुल मिला के शनि आपके लिए अच्छे बने रहेंगे, लेकिन ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। काली चीज़ कभी भी किसी को दान मत कीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और काली चीज़ अपने लिए प्रयोग में लीजिएगा, बहुत फ़ायदा रहेगा।